हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। लगभग मान करके चलिए 2 घंटे का क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कोशिश करेंगे समाप्त हो जाए आज। तो सब लोग जुड़ जाइए, फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी पिछले क्लास में समाप्त हुआ है। जूम ऐप पर क्लास आपने लिया, पूरा समाप्त हो चुका है। अब हम लोग आगे आज एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन मैं लिखा हूँ एनसीईआरटी का, क्या है। अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द आर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्राम द सोल्यूशन ऑफ देयर साल्ट। पाँच यहाँ जो है पाँच मेटल हैं, एल्यूमिनियम है, कापर है, आयरन है, मैगनीज है एंड जिंक है, मैग्नीशियम है एंड जिंक है। अब कह रहा है कि इसमें कौन सा मेटल दूसरे मेटल को उसके साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग देख लेते हैं। जैसे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े हुए हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टॉप टू बॉटम जाते हैं जब, तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग आर्डर में मूव करते हैं। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल का बढ़ता है। मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा, मतलब मेटल का रिडक्शन होगा। मतलब ये हुआ कि जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बॉटम पर प्रेजेंट हैं उनका रिडक्शन होगा, और जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप पर प्रेजेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है। तो मैंने आर्डर आपको बताया था, क्या आर्डर था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने का, मैंने ट्रिक आपको बताया है। आर्डर यही था, ले के 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंके सीडी कोई, नीचे सुनो प्रभात है, क्यों आए आगे होंगे ब्रह्मानंद पंडित, और कलावती सोना लाई फ्री में। यही है, मतलब आप इसको मैं टॉप मान लेता हूँ, लिथियम टॉप पर प्रेजेंट है, टॉप पर, और बॉटम में प्रेजेंट है फ्लोरीन। बॉटम में क्या प्रेजेंट है? फ्लोरीन। तो अगर हम लिथियम से ऐसे कंटिन्यू नीचे जाएं, ऐसे कंटिन्यूस वे में आगे अगर बढ़ें, ये कंटिन्यू नीचे जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सबसे नीचे है फ्लोरीन। तो टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम अगर आप मूव करोगे, तो क्या आपने देखा था कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज होता है। तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उस मेटल का रिडक्शन होगा। मतलब आप यहाँ देख सकते हो लिथियम का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम होगा क्योंकि टॉप पर है, फ्लोरीन का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये सबसे बॉटम में है। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा, तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा तो उसका रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा। तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं, ध्यान से समझना कौन कौन से मेटल इसमें लिया गया है। पहला लिया गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कहाँ है? एल्यूमिनियम यहाँ है। कापर कहाँ है? कापर यहाँ है। आयरन यहाँ है। मैग्नीशियम यहाँ है, और जिंक यहाँ। ये पांच एलिमेंट हैं। अब यहाँ देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और कापर, ये आर्डर है। यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा इन सभी के रिस्पेक्ट में,
अगर इन सबको इलेक्ट्रोड मान लिया जाए और मैग्नीशियम को भी मान लिया जाए तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये इन सभी के ऊपर है, यानी मैग्नीशियम हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कभी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा इन लोगों के रिस्पेक्ट में। बट अगर एल्युमिनियम और जिंक की बात करेंगे तो अब यहाँ जिंक का रिडक्शन होगा, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन होगा। अगर हम जिंक और आयरन की बात करेंगे तो अब जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, आयरन का रिडक्शन होगा। मतलब ऐसे आप समझ लो एक कंटेनर है, ध्यान से समझना बच्चों, एक कंटेनर है। इस कंटेनर में मान लेते हैं मैं CuSO4 साल्ट भरा हुआ है और ऊपर से हमें डालना है जिंक, तो क्या ये ZN इस कापर को रिप्लेस कर पाएगा? तो हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर आप रिएक्शन कराओगे जिंक प्लस CuSO4 का रिएक्शन अगर होगा तो फिर क्या आप देखोगे यहाँ क्या बन सकता है, ZnSO4 हो सकता है और प्लस निकल जाएगा Cu2+, ZnSO4 और Cu निकल ऐसे हो गया। अब यहाँ देखिएगा जीरो ऑक्सीडेशन से जिंक जो है कन्वर्ट हो रहा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब जिंक का हो रहा ऑक्सीडेशन। बट यहाँ कापर का क्या हो रहा है, कापर +2 से कन्वर्ट हो रहा है बच्चों जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब कापर का हो रहा रिडक्शन। मतलब ये सही है, मतलब जिंक कापर को रिप्लेस कर सकता है, कापर को कापर साल्ट से रिप्लेस कर सकता है क्योंकि कापर का रिडक्शन होगा रिप्लेस होने पर। लेकिन अगर ऐसा होता यहाँ ZnSO4 दे देता कापर मिलाते तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होता, रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन होगा? नहीं। इसका मतलब जो ऊपर एलिमेंट हैं वो नीचे वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब आर्डर आप लिख सकते हो, आर्डर लिखोगे सबसे सबको कौन रिप्लेस कर पाएगा, सबको रिप्लेस कर देगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सबको रिप्लेस कर देगा। उसके बाद एल्यूमिनियम सबको रिप्लेस करेगा, देखिए फिर जिंक है और फिर आयरन और सबसे लास्ट में आएगा कापर। मतलब कापर किसी को भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा उसके साल्ट सॉल्यूशन से क्योंकि कापर का इन सभी के रिस्पेक्ट में हमेशा रिडक्शन होगा और रिडक्शन होगा तो कापर स्वयं निकलेगा अपना न्यूट्रल चार्ज लेकर के। तो यानी मैग्नीशियम इन चारों को रिप्लेस कर देगा, जो एल्यूमिनियम इन तीनों को रिप्लेस करेगा, जिंक इन दोनों को रिप्लेस करेगा, आयरन केवल कापर को रिप्लेस करेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप लिखते रहिए, नोट्स में आप ऐड करते रहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। लिखने से ये फायदा, जैसे स्लाइड अगर होता तो मैं तेजी से पढ़ा देता लेकिन वो उतना मजा नहीं आएगा। आप लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो नोट करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, नोट कर लो सब लोग। कह रहा है गिवेन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, गिवेन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया बच्चों। क्या दिया है, पोटेशियम के प्लस के में कन्वर्ट हो रहा है इक्वल टू, इसका वैल्यू दे दिया है -2.93 वोल्ट। और सेकंड है एजी प्लस है, बदल रहा है एजी में, इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है 0.80 वोल्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना, Hg2+ बदल रहा है Hg में और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.79 वोल्ट है। और Mg2+ बदल रहा है Mg में और इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -2.37 वोल्ट है। और लास्ट है Cr3+ कन्वर्ट हो रहा Cr में इक्वल टू, इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.74 वोल्ट है। फिर कह रहा अरेंज द दीज मेटल, क्वेश्चन कह रहा अरेंज करिए, अरेंज द दीज मेटल, दीज मेटल, अरेंज द दीज मेटल, दीज मेटल इन देयर, इन देयर इंक्रीजिंग, इन देयर इंक्रीजिंग,
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। ध्यान देना किसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा और किसका सबसे कम होगा। तो रिड्यूसिंग पावर क्या है ये आपको समझना है। तो ध्यान देना बच्चों, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझना। रिड्यूसिंग पावर हमें बताना है। अच्छा ये बता दो आप, पोटेशियम के प्लस सबका रिडक्शन, सबका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दे दिया, इसका रिडक्शन पोटेंशियल -2.93, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, और HG का भी रिडक्शन पोटेंशियल, MG का भी रिडक्शन पोटेंशियल, क्रोमियम का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। तो ये बताओ रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा उसका होगा रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता, मतलब जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और स्वयं क्या होगा रिड्यूस होगा। तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा मतलब सामने वाले को वो क्या करेगा रिड्यूस करेगा। तो इसका मतलब रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये फार्मूला आपको बताया गया है, मतलब ध्यान से समझना, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो एलिमेंट का रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा मतलब उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा, मतलब सामने मतलब क्या करेगा रिड्यूसिंग पावर उसका ज़्यादा होगा, मतलब रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन होगा, स्वयं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन अपना गेन करेगा। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सामने वाले को तो गेन कराएगा, सामने वाले को गेन कराएगा मतलब उसको रिड्यूस कर रहा, मतलब रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाएगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा। अब इन सब में बताओ किसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल सबसे कम है। तो यहाँ देखो माइनस 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 वाला वैल्यू हमेशा कम होता है, तो माइनस वाला वैल्यू -2.93 वोल्ट या -2.37, तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है कम, बोलो पोटेशियम का है, तो पोटेशियम का सबसे ज़्यादा। उसके बाद बता दो ऑर्डर, मैग्नीशियम का यहाँ -2.37 है, और यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम 2 प्लस का मैग्नीशियम आ गया, चलो मैंने लिख दिया। अगला बताओ इसके बाद किसका है, इसके बाद क्रोमियम का -0.74 है, तो फिर हो गया क्रोमियम। और अब यहाँ सिल्वर का है कितना 0.80, और HG का कितना है, ये तो कम कौन है HG है, तो HG, और सबसे लास्ट में आ जाएगा यहाँ सिल्वर। तो ये आपको ध्यान देना, ये आंसर हो गया। मतलब अगर देखा जाए रिड्यूसिंग पावर तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका है, पोटेशियम का, मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर पोटेशियम का, रिड्यूसिंग पावर पोटेशियम का ज़्यादा है मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल इसका मिनिमम है, बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल क्या है मिनिमम है, इस वजह से इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा। बात क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान देना जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, मान लेते हैं कोई कंपोनेंट है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम होगा मतलब उसका ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन पोटेंशियल कम तो वो रिडक्शन तो वहाँ हो नहीं सकता, तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा सामने वाले को गेन करा देगा ना, तो सामने वाले का रिडक्शन करा देगा, इस वजह से रिड्यूसिंग पावर सामने वाले इसका बढ़ जाएगा क्योंकि सामने वाले का ये रिड्यूस कर रहा है। क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। कमेंट में यस या नो बोलते रहिए, कमेंट करते रहो, कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हो। यस सर, अक्षिता के बहुत सही, विनय श्रीवास्तव, रागनी सोनी, अमन सोनी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अमन, मुसाहिदा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, चलो सब लोग जुड़े हुए, प्रिंस पांडे भी आ चुके हैं, अक्षिता मिश्रा, विनय, अंकित पांडे, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। ध्यान देना अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तेज़ी से मैं क्वेश्चन लिखूँगा, आप लोग भी क्वेश्चन नोट करते रहिए। टाइम भले लगेगा क्वेश्चन लिखते समय, लेकिन आप क्वेश्चन लिख करके ही समझ जाओगे आसानी से। तो चलो मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। प्रिडिक्ट द गैलोनिक सेल, कह रहा है डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल। तीसरा क्वेश्चन है इन विच एक रिएक्शन दे दिया है, इन विच द रिएक्शन क्या रिएक्शन है? ZN सॉलिड है और प्लस बदल रहा है बच्चों, प्लस Ag प्लस एक्वस है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बदल रहे हैं ZN पर 2 प्लस एक्वस प्लस 2 Ag सॉलिड, ये रिएक्शन दिया है। करा टेक प्लेस फर्दर सो, करा एक कोई गैल्वेनिक सेल है जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है, फिर कह रहा है कि ये रिएक्शन अगर हो रहा है किसी भी गैल्वेनिक सेल में, तो मैं आगे लिख रहा हूँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि बता दो व्हिच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज है, कौन सा इलेक्ट्रोड। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, कौन सा इलेक्ट्रोड बच्चों नेगेटिवली चार्ज है, ये बताना है पहला क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कैरियर्स ऑफ करंट इन द सेल बता दो, कैरियर ऑफ करंट इन द सेल में करंट का कैरियर कौन का है। और थर्ड आपको क्वेश्चन बताना है इसी का, इंडिविजुअल रिएक्शन बताना है एट ईच इलेक्ट्रोड, सभी इलेक्ट्रोड पर इंडिविजुअल रिएक्शन यानी हाफ सेल रिएक्शन लिख करके दिखाना है। तो चलो मैं देख लेता हूँ रिएक्शन क्या है बच्चों। रिएक्शन है जिंक सॉलिड है प्लस 2Ag प्लस एक्वस है कन्वर्टेड इनटू ZN पर 2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag, यही है हमारा रिएक्शन। अब ये बता दो बच्चों, आप ध्यान से बता दीजिए, ये बताइए यहाँ जो ZN है, ZN जीरो से कन्वर्ट हो रहा प्लस 2 में, मतलब जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ सिल्वर प्लस 1 से लेकर के 0 में बदल रहा है, प्लस 1 से 0 में बदल रहा, मतलब इसका हो रहा है रिडक्शन, मतलब जिसका रिडक्शन होगा बच्चा लोग वो होगा कैथोड और जिसका ऑक्सीडेशन होता है बच्चों वो होता है एनोड। तो चलो मैं सेल रिप्रेजेंटेशन लिख लेता हूँ। सेल रिप्रेजेंटेशन मैं कैसे लिखूंगा, जिंक सॉलिड बदल रहा है ZN 2 प्लस एक्वस में, चलो मैं लिख लिया, फिर ऐसे साल्ट ब्रिज मैंने लगा दिया, फिर यहाँ देखिएगा Ag प्लस एक्वस है बदल रहा है किस में बच्चों Ag में, तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। अब ये बताओ, याद करो जब मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसमें क्या था, दो हाफ सेल सिस्टम होते हैं और दोनों हाफ सेल सिस्टम में इलेक्ट्रोड डिप होते हैं। दो हाफ सेल सिस्टम ले लो, इसमें एक इलेक्ट्रोड डिप कर दो और इसमें भी इलेक्ट्रोड डिप कर दो, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को वायर के द्वारा बीच में वोल्टामीटर लगा करके कनेक्ट किया गया, और दोनों को साल्ट ब्रिज के द्वारा कनेक्ट किया गया। यही हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, याद करिएगा। ये बताओ, इधर वाला मान लेते हैं जिंक है और इधर वाला मान लेते हैं Ag है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वही तो ऑक्सीडेशन उधर है तो होगा, तो इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखिए ZN 0 से प्लस में बदल रहा है, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में रिडक्शन हो रहा है, देखिए यहाँ Ag प्लस 0 में कन्वर्ट हो रहा है रिडक्शन। तो अब यहाँ क्या होगा बच्चों, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही जिंक अपना देगा तो जिंक का जो आयंस है वो सॉल्यूशन में आ जाएगा, यानी ZN 2 प्लस सॉल्यूशन में आ गया, और जिंक अपना इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस को दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर निकलने लगा, वाटर में नहीं आएगा, एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ऊपर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाएगा तो इस वजह से इसका जो इलेक्ट्रोड है बच्चों ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे रहा है।
तो इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ जो सॉल्यूशन भरा हुआ है CuSO4, अब ये 2+ आयन इस पर अट्रैक्ट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आ करके इधर, तो जब Cu2+ इस मेटल पर डिपोजिट होगा तो इस पर चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। तो कैथोड पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है एनोड से कैथोड के तरफ। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन मूव करता है एनोड से कैथोड के तरफ है, और एनोड पर जो चार्ज होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। तो कह रहा व्हिच इलेक्ट्रोड इज निगेटिवली चार्ज, तो आंसर क्या है बच्चों? एनोड। एनोड यानी जिंक इलेक्ट्रोड विल बी निगेटिवली चार्ज। क्या आंसर? पहले का आंसर क्या हो जाएगा? एनोड। एनोड पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा? निगेटिवली चार्ज। क्यों निगेटिवली चार्ज होगा? क्योंकि एनोड जिंक का बना हुआ है और यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो करके Zn2+ आयन तो सॉल्यूशन में आएगा, बट इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के द्वारा ऊपर वायर से बाहर जाने लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से निगेटिवली चार्ज आएगा। इधर पॉजिटिव क्यों हो रहा है? क्योंकि Cu पर 2+ चार्ज इस पर अट्रैक्ट होगा, डिपॉजिट होगा, तो इसके वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव के वजह से इलेक्ट्रॉन इधर आकर के जा रहा है। बात समझ में आया? चलिए दूसरा देखिए, कैरियर्स ऑफ करंट इन द सेल। सेल में बताना है करंट का कैरियर क्या है। तो बता दो जब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड के तरफ जा रहा है, इसका मतलब करंट किधर जाएगा? तो करंट का फ्लो कैथोड से एनोड के तरफ होता है। अब अगर देखा जाए करंट मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव किया तो करंट किधर मूव करेगा? कैथोड से एनोड के तरफ आई इधर आएगा। अब ये जो साल्ट ब्रिज लगा हुआ है, साल्ट ब्रिज में आयन्स होते हैं, इनाइट इलेक्ट्रोलाइट इसमें मिक्स किए गए हैं, इनाइट इलेक्ट्रोलाइट इसमें मिक्स किया गया है साल्ट ब्रिज में, तो इनाइट इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ही तो सर्किट कंप्लीट होता है। अगर ये साल्ट ब्रिज नहीं लगा होता तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होता, करंट का फ्लो ही नहीं होता। करंट का फ्लो अगर नहीं होगा तो फिर कैसे हो पाएगा? तो यहाँ इलेक्ट्रॉन तो आउटर वायर में जो है करंट का फ्लो करा रहा है, बट अगर सेल के अंदर देखा जाए तो यहाँ आयन्स के मूवमेंट से करंट फ्लो हो रहा। तो आप आंसर में दो पॉइंट लिखोगे, दो लिखोगे, क्या क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन एंड आयन्स दोनों की वजह से करंट फ्लो हो रहा। तो यहाँ कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है और आयन्स है, दोनों की वजह से करंट फ्लो हो रहा है इन द सेल। सेल की बात कर रही है, कर रहा है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान से समझना। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। ईच इलेक्ट्रोड पर आपको इंडिविजुअल रिएक्शन लिख करके दिखाना होगा। गुड मॉर्निंग ऐश्वर्यदीप, सब लोग आ जाइए। कुछ आलसी बच्चे हैं जो नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, आज संडे है इस वजह से सो रहे होंगे। अब अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे, पर एक एक पॉइंट मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और मतलब पूरा मतलब ग्राउंड स्टेट पर मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, हवा हवाई में कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो एक एक पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा, अगर जो ज्वाइन करेगा उसको फ़ायदा मिलेगा। बाकी कल से हम लोग फिर जूम ऐप पर क्लास कंटिन्यू करेंगे अपने अपने सेम टाइम पर। मॉर्निंग का बैच 7:30 से 8:30, इवनिंग का बैच 5 से 6 होगा। लेकिन संडे संडे हर संडे को, सभी संडे को मैं लगभग 2 घंटे YouTube पर लाइव आऊँगा और केवल NCERT का क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा। बाकी आप कंटेंट वगैरह जो पढ़ रहे हो, देख ही रहे हो, नोट्स आपको मिलेगा फिर क्लास में, जूम ऐप पर आपको फॉलो करना पड़ेगा। थर्ड देखना, थर्ड क्या है? इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। ईच इलेक्ट्रोड पर इंडिविजुअल रिएक्शन आपको बताना कौन कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलो मैं बात करता हूँ एट एनोड की, मैं पेज पलटता हूँ, देखना स्पेस हमारे पास कम है, मैं पेज जो है पलट देता हूं, देखना ध्यान से समझना बच्चों। चलिए एट एनोड की बात करें बच्चा लोग, तो बता दो एनोड पर क्या हो रहा है? एनोड पर क्या हो रहा बताइए? एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा ना, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। चलो लिख करके दिखाओ फटाफट सब लोग, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। तो एनोड पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? जिंक का। तो Zn सॉलिड बदल रहा है किसमें बच्चों? Zn2+ एक्वस में। इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये बता दो आप एट कैथोड, कैथोड पर क्या हो रहा है? कैथोड पर तो रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है? बहुत सही, ऑक्सीडेशन। अक्षिता
रिडक्शन किसका हो रहा है, एजी का, तो एजी टू प्लस, एजी पर एक प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अपने आप को बदल देगा एजी सॉलिड में, ये हो गया। बट अब इसको आप अब देखो, आपने ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन लिख दिया, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन लिख दिया, और नीचे वाला रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन आपने लिख दिया, तो आंसर यही हो जाता। लेकिन अब आपको अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल पता है तो आप इसको ऐड करके सेल रिएक्शन लिख सकते हो क्या, आप अभी ऐड कर सकते हो? नो, क्यों? क्योंकि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो नीचे वाले इक्वेशन को हमें दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए तभी ऐड होगा, कटाओ कैंसिल होगा इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, तो क्या होगा, इसको ऐड कर दो, ऐड करोगे जिंक सॉलिड प्लस टू ए जी एक्व, ए जी एक्वस, ये कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, जेड एन टू प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड, तो ये हमारा सेल रिएक्शन हो गया, आपसे यही पूछा जा रहा है, बाकी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन मैं बताऊं, जल्दी से नोट करिएगा, इसको आप नोट्स में ऐड करते रहिए। अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कर रहा बच्चों, कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, कैलकुलेट ई नॉट सेल, ई नॉट सेल बता दो, कैलकुलेट ई नॉट सेल ऑफ गैल्वेनिक सेल, ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ई नॉट सेल पूछा जा रहा है, आपको बताना ई नॉट सेल, पहला नंबर ई नॉट सेल का आ रहा, चलो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, ई नॉट सेल रिएक्शन क्या दिया है, इसमें बुक में दिया है टू क्रोमियम सॉलिड प्लस थ्री सी डी पर टू प्लस एक्वस, और ये कन्वर्ट हो रहा बच्चों टू क्रोमियम पर थ्री प्लस चार्ज एक्वस, और प्लस है थ्री सी डी सॉलिड, थ्री सी डी सॉलिड, ये है रिएक्शन। अब इसमें जो है गिवन है, क्या दिया है मैं साइड में लिख देता हूँ, गिवन दैट, गिवन है क्या दिया है मैं लिखता हूँ, यहाँ दिया है बच्चों, अब यहाँ क्रोमियम ई नॉट सेल दिया है सी आर थ्री प्लस, बदल रहा है सी आर में, इक्वल टू इसका वैल्यू दे दिया है माइनस 0.74 वोल्ट, और ई नॉट सेल सी डी टू प्लस, बदल रहा है सी डी में, इसका भी वैल्यू दे दिया है बुक में बच्चों माइनस 0.40 वोल्ट, ये गिवन है। तो अगर ये गिवन है ई नॉट सेल, अगर आपको पता है तो आप ई नॉट पता है दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल, तो ई सेल आप निकाल सकते हो कैथोड माइनस एनोड करके। फिर कह रहा कैलकुलेट करो, इसके बाद भी कह रहा कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट, अभी मैं फर्स्ट पार्ट केवल दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट भी आपको बताना है, एंड केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी बताना है, डेल्टा जी नॉट बताना है, केसी, यानी आपको तीन चीज़ें यहाँ बताना है, पहला ई नॉट सेल निकाल लो, फिर डेल्टा जी निकाल लो, फिर केसी निकाल लो, इसका मतलब लॉग एंटी लॉग भी आपके सामने आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग ट्राई कर लेते हैं, हम लोग ट्राई कर लेते हैं, बता दो कितने लोग इसको कर पाएंगे, ध्यान से बताना कितने लोग कर पाएंगे। चलो ई नॉट सेल बच्चों क्या होता है, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये तो होता ही है, ऐसे या नो कमेंट करते रहो फटाफट, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये होता है फार्मूला। अच्छा ये बताओ सेल, अब यहाँ कौन कैथोड होगा कौन एनोड होगा, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, कैथोड के जैसा कौन बिहेव करेगा और एनोड के जैसा कौन बिहेव करेगा। यहाँ देखिए रिडक्शन पोटेंशियल अगर रिडक्शन पोटेंशियल देखा जाए तो सी डी टू प्लस सी डी में कन्वर्ट हो रहा, तो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.40 वोल्ट,
और ऊपर क्रोमियम सीआर 3+ Cr में बदल रहा है, इसका -0.74, तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू किसका ज्यादा है, सीडी का, तो सीडी का वैल्यू हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो कैथोड रिडक्शन होगा, तो सीडी हो जाएगा कैथोड और क्रोमियम हो जाएगा एनोड, तो हम रख देते हैं। इसका रिडक्शन पोटेंशियल सीडी का कितना है, कितना रिडक्शन पोटेंशियल दिया है बता दो, -0.40, फिर माइनस, अब रिडक्शन पोटेंशियल क्रोमियम का कितना, -0.74, तो यहां रख दो -0.74, तो इसको अगर सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, -0.40 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस का मल्टीपल, तो 0.74, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा +0.34 वोल्ट। तो ये आ गया बच्चों ई नॉट सेल आपने पहले कैलकुलेट किया +0.34 वोल्ट है। बताओ बोलो, यहां तक क्लियर हो गया। देखो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा वो कैथोड होगा, क्योंकि वहां रिडक्शन होगा, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू किसका ज्यादा है, -0.74 का कि -0.40 का, -0.40 बड़ा है, ये माइनस में छोटा है, हो जाएगा, समझ में आया, चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो अब हम लोग निकाले ई नॉट सेल हम लोग निकाल चुके हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं, हमें अब निकालना होगा डेल्टा जी नॉट और केसी निकालना है, तो चलो हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब डेल्टा जी का वैल्यू हमें पता है, डेल्टा जी, चलो सेकंड में सॉल्व करता हूं, डेल्टा जी का फार्मूला, डेल्टा जी इक्वल टू -NFe0 सेल होता है, चलो वेरी गुड, डेल्टा जी इक्वल टू -NFe0 सेल होता है। अब यहां बताइएगा आप, रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, आप यन का वैल्यू आपको यहां निकालना होगा, तो N का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो यहाँ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये तो पता होना चाहिए, तो चलो यहाँ बता दो, यहाँ बताना रिडक्शन किसका हो रहा है, बोलो रिडक्शन किसका हो रहा है, पीछे अभी हम लोग देखे हैं ना किसका रिडक्शन होगा, CD का रिडक्शन हो रहा है, तो चलो हम लोग सेल रिएक्शन नोट कर लेते हैं पहले, तभी तो हमें N का वैल्यू पता चलेगा, मैक्सिमम स्टूडेंट N का वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, तो CD, अब पहले मैं रिएक्शन अगर लिखूं तो मैं लिखूंगा एट एनोड का रिएक्शन मैं लिखूं, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन होगा, तो CR कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cr3+ में कन्वर्ट हो रहा है, Cr3+ में कन्वर्ट होगा और 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, और एट कैथोड रिडक्शन किसका हो रहा है, CD का, तो CD2+ बदल रहा है बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें बदल रहा है CD में, तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाँ N=6, बहुत सही वेरी गुड। तो अब यहाँ मैं सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ देखो रिडक्शन, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें इसको 6 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको मुझे इलेक्ट्रॉन सेम करना है, तो मैं क्या करूँगा, सेकंड को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे, फिर इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, टू क्रोमियम सॉलिड +3Cd2+ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, कन्वर्टेड इंटू 2Cr3+ और 3Cd सॉलिड, ये हो जाएगा, तो ये हमारा सेल इक्वेशन है, N=, यहाँ से आ गया 6 है, तो यहाँ हम लोग रख देते हैं, टाइम लगेगा लेकिन आपको मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा, ये ध्यान देना जो बच्चे कमजोर हैं जिसका क्लास छूट गया है, हाँ सर हो गया क्योंकि पढ़े हो ना अच्छे से तो कर ले जाओगे, दिक्कत थोड़ी है, हाँ आंसर भी अक्षिता मैसेज कर दी -19.68.60 आंसर भी तुम्हारा सही है, वेरी गुड। तो क्या करोगे, यहाँ रख दो -6 × Fe का वैल्यू कितना होता, 96500 × E0 सेल, अभी हम लोग पीछे कैलकुलेट किए हैं 0.34, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो अक्षिता का आंसर सही है
60 कुलाम बोल्ट, पहला तो यूनिट आप ये लिखोगे, फराडे कुलाम हो गया, ई नॉट सेल का यूनिट होता है बोल्ट, कुलाम बोल्ट, और कुलाम बोल्ट को जूल भी बोलते हैं, 196860 जूल पर मोल, ये हो गया। और किलो जूल में लिखना हो तो 1000 से डिवाइड कर दो तो -196.86 किलो जूल पर मोल। तो यूनिट का चक्कर आपको ध्यान देना है, यूनिट आपको पता होना चाहिए। चलिए, हाँ सही है, वेरी गुड। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, बिना श्रीवास्तव, सही है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड रिएक्शन दिया है, इसी का सेकंड पार्ट दिया है। सेकंड पार्ट क्या दिया है बच्चों, कह रहा है कि Fe2+ है और प्लस है Ag+ है, ये कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ में और Fe3+ में एंड Ag सॉलिड में, ये कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया है, क्या वैल्यू दिया मैं लिख देता हूँ तेजी से, E0 Ag+ बदल रहा है Ag में, इक्वल टू वैल्यू इसका दिया बच्चों 0.80 वोल्ट, और E0 सेल दिया है Fe2+ या फिर Fe3+ बदल रहा Fe2+ में, इसका वैल्यू दे दिया है बच्चों 0.77 वोल्ट। तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसका ज़्यादा है, Ag का ज़्यादा है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कैथोड होगा। हाँ KCB कैलकुलेट करना, बहुत सही, चलो बता देते हैं, तो अब तो इसको लिख लिए। चलो अभी KC दोनों का मैं एक साथ कैलकुलेट कर लूँगा, अब सेकंड मैं सॉल्व कर लूँ, KC मैं भूल गया, चलो अभी उसको भी कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखो रिडक्शन पोटेंशियल Ag का ज़्यादा है या Fe का कम है, यानी Ag का रिडक्शन हो रहा है, Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, E0 सेल निकालेंगे, E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होगा, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होगा। कैथोड कौन है बताओ, सिल्वर है, Ag है, तो आप सॉल्व कर लो तुरंत, क्या करोगे 0.80 और माइनस कर दो, माइनस करोगे कितना माइनस करोगे, -0.77। तो अब इसको अगर सॉल्व करोगे बाबू तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा 0.03 वोल्ट, E0 सेल आ गया 0.3 वोल्ट, हाँ सही। चलो ये आ गया, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब E0 सेल पता चल गया तो Δg मैं निकाल लूँगा, Δg मैं निकालूंगा, क्या फार्मूला है -NF है E0 सेल। अब यहाँ N तुम्हें निकालना, N बच्चे निकाल नहीं पाते, बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, तो यहाँ N निकालोगे तो सबसे पहले तुम ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन लिखो, फिर N को आप कट करोगे, तो N जितना आएगा दोनों इक्वेशन में उतना N का वैल्यू हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट के लिए जो N का वैल्यू आएगा बच्चों वो होगा, बताओ कितना होगा, N का वैल्यू बताओ आप लोग कितना होगा, सब लोग जल्दी से बताइए, N इक्वल टू कितना होगा, 1 मोल आ जाएगा, कितना 1 मोल, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आयरन में चेंज हो रहा और सिल्वर में भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, तो 1 आएगा, तो चलो 1 मैं लिख दिया, इनटू फैराडे कितना 96500 और E0 कितना आया 0.03 वोल्ट है, ये आ गया। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करो Δg सेकंड में, कितने लोग कमेंट करते हैं देखते हैं, कितने लोग सॉल्व कर पाएंगे, Δg का वैल्यू आप निकाल सकते हो, सब लोग सॉल्व करो, -28 इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, -28.95 जूल पर मोल, ये आ जाएगा, इतना आ गया, बात समझ में आया, मतलब सेकंड वाले में Δg0 इतना आ गया, E0 आ गया। अब दोनों का KC हम निकालेंगे, दोनों का KC निकाल सकते हैं, क्योंकि KC हमें बताना है, दोनों पार्ट का KC बताना है। तो चलो हम लोग अगला देखते हैं, KC लिखते रहिएगा बच्चों, नोट्स आप लोग बना लीजिए, NCERT सॉल्यूशन अलग से कॉपी में पूरा लिख लो, क्योंकि CBSE बोर्ड में NCERT के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मोल देवेश द्विवेदी, हाँ सही है, 1 मोल, वेरी गुड। चलो अगर हम बात करें KC का, अब हम लोग दोनों का KC निकाल लेते हैं, तो हम सबसे पहले E0 सेल निकाले, सेकंड नंबर Δg0 निकाल चुके हैं, अब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, KC का वैल्यू। तो बताओ KC का वैल्यू क्या होता, KC फार्मूला एक होता Δg0 इक्वल टू होता है
डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता माइनस 2.303 आरटी लॉग केसी, यही तो होता है भैया। आपको डेल्टा जी का वैल्यू पहले से पता चल चुका है तो रख दो ना, पहले पार्ट का मैं डेल्टा जी निकाल, मैं केसी निकालूंगा। तो डेल्टा जी पहले में क्या आया था, माइनस 1968 6860, यही तो आया था जूल पर मोल। और माइनस रख दो 2.303, आर का वैल्यू आपको पता है, आर का वैल्यू क्या रखोगे, 8.314 जूल कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स रखना है, जूल कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जूल कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, चलो तो रख दो। अब टेम्परेचर कितना दिया है बच्चों, यहां बताओ टेम्परेचर कितना दिया, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहा है यानी 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 प्लस 273 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 298 हो गया। और लॉग लॉग केसी इतना हो गया। तो जब ब्लर अब सही हो गया है, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होता है इस वजह से दिखने में प्रॉब्लम हो जाता है। चलो ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, नेटवर्क कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों, हमारे तरफ से दिक्कत नहीं है। हाँ जमीर अहमद कमेंट कर चुके हैं, अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो लॉग 10 बेस केसी इक्वल टू आ जाएगा, लॉग 10 बेस केसी इक्वल टू आ जाएगा 34.50, इतना आ गया बच्चा लोग। अब क्या करोगे, मैंने एंटी लॉग का ट्रिक आपको बताया हुआ है, एंटी लॉग का ट्रिक मैंने बताया हुआ है, क्या करोगे एंटी लॉग लोगे इसका, तो बाई टेकिंग एंटी लॉग, इतना एक्सप्लेन कहीं आपको कोई करता नहीं है, शॉर्टकट में आंसर लिख दिया जाता है। मैं एकदम छोटे लेवल पर जा करके सारे बच्चों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अब इसका एंटी लॉग लोगे तो केसी इक्वल टू हो जाएगा 10 to the power 34.50। अरे एक फार्मूला मैंने बताया था ना, लॉग ई बेस एक्स इक्वल टू वाई, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा ई पर पावर वाई, यही तो होता है, तो ऐसे लिख दिया। अच्छा केसी इक्वल टू हमसे पूछा जा रहा, तो 10 to the power 34 लिखेंगे इंटू 10 to the power 0.50 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। अच्छा ये बताओ, log 3 इक्वल टू होता है 0.48, और log 4 इक्वल टू होता है 0.60। तो अगर यहाँ 12 का 0.12 का डिफरेंस इधर है राइट हैंड साइड में, इधर 1 पी लॉग का डिफरेंस है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि log 3.1 या 3.2 अप्रॉक्सीमेट क्या हो जाएगा, 3.1 या 2 अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा, 0.50 ही तो होगा, थोड़ा सा बढ़ा दो, थोड़ा सा जब बढ़ाओगे तो फिर इधर, तो लॉग लगभग 3.1 या 3.2 आप लिख सकते हो, अप्रॉक्सीमेट 3.2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो अगर इसका एंटी लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, 3.2 इक्वल टू 10 to the power 0.50, इसका मतलब 10 to the power 0.50 को आप 3.2 लिख सकते हो, यानी आंसर हो जाएगा 3.2 × 10 to the power 0.50 अप्रॉक्सीमेट आंसर, सॉरी इसको मैं 34.50 को तो मैं लिख दिया हूँ 3.2, यानी 3.2 × 10 to the power 34 आ गया केसी, पहले का केसी आ गया, ठीक। हाँ उसको एंटी लॉग सॉल्व करके बताना है, ये आंसर आएगा इस टाइप का, ठीक है। बताओ यस या नो, आगे बढ़े यस या नो कमेंट करके बताइए, सब लोग कमेंट करके बताइए। बहुत लोग सो रहे हैं, सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी अपने से सॉल्व हो जाएगा, अपने से सॉल्व करोगे टाइम लगेगा समझने में, समझ करके एक एक पॉइंट सॉल्व करना होगा, तो इसलिए आप लोग ज्वाइन करिए जल्दी से, जिससे अच्छे से आसानी सॉल्व हो जाए। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेकेंड पार्ट क्या था, सेकेंड पार्ट में भी हमें केसी बताना है, तो क्या आया था डेल्टा जी, सेकेंड पार्ट यही फार्मूला लगाओ ना, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी, यही है। तो अब क्या करोगे, डेल्टा जी का वैल्यू आप सेकंड पार्ट में भी निकाल चुके हो, माइनस ट्वेंटी एट नाइन फाइव इक्वल टू माइनस 2.303
आर टी, आर के जगह पर वैल्यू रखो, आर इक्वल टू क्या रखोगे 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर है 298 लॉग 10 बेस केसी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो लॉग 10 बेस केसी इक्वल टू आ जाएगा, लॉग 10 बेस केसी इक्वल टू सबको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर, इसको मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड कर दो तो जब कैलकुलेटर आप यूज़ करोगे तो लॉग 10 बेस केसी आ जाएगा बच्चा लोग 0.5074 अप्रॉक्सीमेट इतना आएगा। तो इसका मतलब अब हमें इसका एंटी लॉग लेना है बाई टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग ले लो बच्चा लोग तो केसी इक्वल टू हो जाएगा 10^0.50। अब ये बता दो बच्चों लॉग 3.2 इक्वल टू 0.50 होता है, तो इसका एंटी लॉग लोगे तो 3.2 इक्वल टू 10^0.50 होगा। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ केसी इक्वल टू 3.2, ये हमारा आंसर है, सेकंड का आंसर हो जाएगा 3.2, केसी इक्वल टू 3.2। बात क्लियर हुआ, कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़े यस या नो? बोलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत सही। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन मैं नीचे लिख रहा हूं, अभी स्पेस है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5th। देखिए ये चार पार्ट में है, मैं एक एक पार्ट सॉल्व करता हूँ। राइट द नेक्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। हमें क्या लिखना है, नेक्स्ट इक्वेशन लिखना है, NERNST नेक्स्ट इक्वेशन लिखना है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। राइट द नेक्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ सेल, एंड ईएमएफ ऑफ सेल लिखना है, ईएमएफ ऑफ सेल मतलब ई सेल बताना है, ईएमएफ ऑफ सेल एट 298 केल्विन, मतलब नेक्स्ट इक्वेशन लिखो फिर ईएमएफ ऑफ सेल बता दो क्या होगा। तो पहला मैं पार्ट उठा लेता हूँ, पेज पलटिए और पहला पार्ट मैं लेता हूँ। क्या पहला पार्ट दिया है एनसीईआरटी में, ध्यान देना, पहला पार्ट दिया है। चलो पहला पार्ट देखते हैं, दिया है बच्चों पहला पार्ट, कह रहा है कि एम जी सॉलिड है और ऐसे लगा हुआ एम जी 2+ में बदल रहा है एक्वस में, और इसका कंसंट्रेशन दे दिया है, मोलरिटी दिया है 0.001 मोलर कंसंट्रेशन दिया है, और यहाँ साल्ट ब्रिज लगा हुआ है और Cu2+ ion इसका कंसंट्रेशन 0.0001 मोलर कंसंट्रेशन, और ये बदल रहा है बच्चों Cu सॉलिड में। ये दिया है सेल रिप्रेजेंटेशन, अब इससे अब ये सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, अब इस सेल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा तुम्हें नेक्स्ट इक्वेशन को लिखना है और फिर ई सेल बताना है, ई सेल क्या होगा। अब इसके लिए गिवन है क्या, साइड में दे दिया है, क्या दिया है साइड में बच्चों, ई नॉट एम जी 2+ एम जी में अगर बदलेगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम -2.37 वोल्ट दे दिया है, और आपको ये भी दिया है ई नॉट, अब अभी कापर यहाँ है तो कापर का रिडक्शन पोटेंशियल Cu2+ Cu में बदलता, आपको याद भी होगा 0.34 वोल्ट होता है, तो ये हमें पता है। यहां देखना बच्चों, ध्यान से समझना, रिडक्शन पोटेंशियल कापर का ज्यादा, रिडक्शन कापर का हो रहा है। यहां सेल रिप्रेजेंटेशन देख लो, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा है और ये राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में एनोड होता है, राइट हैंड साइड में कैथोड होता है, यहां मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कापर का रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले हम सेल रिएक्शन लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा सेल रिएक्शन, तो एट एनोड, मैं एनोड की बात करूंगा, तो एनोड पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है बच्चों किस में, मैग्नीशियम 2+ एक्वस में, और +2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, और एट कैथोड पर क्या हो रहा बच्चों, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, अपने आप को बदल दिया Cu सॉलिड में, तो
तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल दोनों हो गया, दोनों को ऐड कर दो, सेल रिएक्शन आ गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा, Mg सॉलिड प्लस Cu पर 2 प्लस एक्वस कन्वर्टेड इनटू Mg पर 2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड हो गया, तो ये इक्वेशन एक आ गया। बात क्लियर हुआ। अब ये सेल रिएक्शन आपने लिख लिया, और जब तक आप सेल रिएक्शन नहीं लिख पाओगे तब तक आप नेक्स्ट इक्वेशन तो लिख ही नहीं सकते हो ना, तो बता दो ना नेक्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चा लोग, यहाँ बताओ n का वैल्यू कितना, 2, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन कट रहा है तो n इक्वल टू यहाँ है, तो बता दो नेक्स्ट इक्वेशन क्या था, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल बताओ माइनस 0.0591 बाई n log q, यही तो होता है नेक्स्ट इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हमें इसके फॉर्म में लाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल तो अभी हम निकाल लेंगे, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों पता ही है, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का, माइनस 0.0591 बाई कर दो 2 log, अब ये q क्या है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, क्यू मतलब लॉग क्यू, क्यू क्या है, या केसी हो या क्यू हो, लिखते समय आपको 11th में पता है अगर क्यू लिखना है तो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, तो सॉलिड का होता है 1 एक्टिव मास, और यहाँ केवल बचा क्या, एक्वस यानी Mg2+, तो क्या लिखोगे, Mg2+ एक्वस का एक्टिव मास डिवाइड बाई, इधर सॉलिड है तो 1 हो जाएगा, तो Cu2+ एक्वस, यही तो बचेगा, बता दो यही बचेगा ना। चलो ई नॉट सेल भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है, तो कैथोड कौन है, कापर, एनोड कौन है, मैग्नीशियम, तो हम ई नॉट सेल के जगह पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, 0.34, क्योंकि कापर कैथोड है तो कापर रिडक्शन हो रहा, तो कैथोड मतलब 0.34 माइनस कर दिया, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम कितना, -2.37, ये माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा 0.0295। अब log Mg का कंसंट्रेशन कितना है बता दो, Mg का कंसंट्रेशन कितना है, 0.001, यानी 10^-3 ऊपर रख सकते हैं, अरे भाई 0.001 मतलब 10^-3, और डिवाइड भाई कापर का कितना है, कापर का 0.0001 यानी 10^-4 रख देंगे, 10^-4 ऐसे रख दिया। तो अब इसको सॉल्व कर लो बच्चा लोग, सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दोगे, तो ऐड कर लो, ऐड करोगे तो क्या होगा बोलो, ऐड कर लो तो 2.71 माइनस 0.0295। अब ये बताओ जब कट जाएगा तो 10^-1 नीचे बचा, ऊपर जाएगा तो 10, और log 10 का वैल्यू होता 1, इतना हो जाएगा 1। अरे भैया 10^3 है, नीचे 10^-4, तो कट जाएगा 10^-1 नीचे बचेगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 log 10 का वैल्यू 1 होता, तो माइनस केवल इतना है बचा, ये हो जाएगा 1। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2.68 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ई सेल आपने निकाल लिया, तो नेक्स्ट इक्वेशन लिखने के बोला वो भी मैंने लिख दिया, ई सेल निकालने के लिए बोला हम लोग लिख चुके हैं, तो आंसर आपको पता चल गया, इसको आप नोट करिए 2.68। बहुत सही जमीर अहमद, अक्षिता मिश्रा, हाँ सही है तुम लोगों का, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सेकंड पार्ट, आप लोग जल्दी से ट्राई करके कमेंट में लिखिए, हम भी ऐसे सॉल्व करते रहेंगे, सेकंड पार्ट देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। चलिए सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, इसी का सेकंड पार्ट बच्चों, एक रिएक्शन, एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, मैं लिख रहा हूँ एफ ई सॉलिड बदल रहा है बच्चों Fe2+ में, और इसका वैल्यू दिया है 0.001 मोलर कंसंट्रेशन, और साल्ट ब्रिज लगा हुआ है, H+ दिया है, इसकी मोलारिटी 1 mm दे दिया है, और H2 गैस में, और इसका प्रेशर है 1 bar प्रेशर, और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा दिया, तो प्लेटिनम वगैरह मैं आपको बताया था, कोई मतलब नहीं है उससे,
वो तो ऐसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम वायर जो है उसके ऊपर कोटिंग किया जाता है, तो उससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों। अब इसके लिए गिवन क्या है, इसके लिए E0 सेल दे दिया है, आयरन का, आयरन का यहां दिया है, मैं लिख देता हूं आयरन का क्या है, आयरन का दिया है E0 सेल ऑफ Fe2+ बदल रहा है Fe में और इक्वल टू -0.44 वोल्ट, ये दिया है। और हाइड्रोजन का तो आपको बचपन में ही बता दिया गया है, H+ आयन हाफ H2 में बदलेगा तो 0.0 वोल्ट होता है, हाइड्रोजन का जीरो होता है ना, ये तो पता ही है ना। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सेल रिएक्शन लिख देंगे। सेल रिएक्शन मैं डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, आप भी डायरेक्ट लिख सकते हो, एनोड पर रिएक्शन और ऑक्सीडेशन वाला अलग अलग लिख करके ऐड कर दो, तो सेल रिएक्शन डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा, आयरन का, आयरन का ऑक्सीडेशन यानी आयरन Fe सॉलिड है, बदल रहा है किसमें बच्चों, या Fe2+ एक्वस में बदल रहा है। और सेकेंड फिर क्या हो रहा, हाइड्रोजन H+ बदल रहा है किसमें, H2 में बदल रहा है, तो यहां 2H+ लेना पड़ेगा। मतलब आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, मतलब ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। मतलब यहां N का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, N का वैल्यू आ गया 2। चलो कोई बात नहीं, आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन लिख देंगे, तो ई सेल इक्वल टू, बता दो बच्चा लो क्या होगा, E0 सेल -0.0591 डिवाइड कर दो 2 से लॉग क्यू, लॉग क्यू होता है ना, तो क्यू की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन है तो 1 होगा, इसको कोई मतलब है नहीं है, या फिर 2+ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट यानी, या फिर 2+ ऊपर करेंगे और डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट यानी हाइड्रोजन H+ पर क्या करेंगे, पावर लगा देंगे, जितना मोल होगा उस पर पावर कर देंगे। चलो अब ये आपको क्या पता चल गया, नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन आपने लिख दिया। सेकंड पूछ रहा है कि ई सेल भी कैलकुलेट करो, ई सेल आप तभी कैलकुलेट कर पाओगे जब आपको E0 सेल पता होगा, तो E0 सेल कैसे पता चलेगा, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड से। अच्छा ये बताओ कैथोड कौन है, कैथोड जिसका वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल आप आयरन का वैल्यू दे दिया माइनस में और इसका जीरो, मतलब हाइड्रोजन यहाँ कैथोड होगा। तो चलो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, E0 कैथोड, E0 सेल इक्वल टू हमें लिखना E0 कैथोड, कैथोड मतलब हाइड्रोजन मतलब जीरो है माइनस, और E0 एनोड, और एनोड के जैसा कौन बिहेव कर रहा है, आयरन, तो आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही लिखना है। ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं, कंसेप्चुअल मैं ट्रिक भी बताया था क्लास में, तो यहां रखोगे क्या रखोगे, -0.44 वोल्ट ऐसे, फिर 0. डिवाइड कर दो 2 से 0.0295 लॉग, आयरन का कितना दिया है बच्चों, आयरन का दे दिया है, लिख लो जल्दी से, आयरन का कितना है, आयरन का दे दिया है बच्चों, बहुत खराब मौसम है आज, पता नहीं कहीं पत्थर गिर रहा है, बहुत तेजी से गिरा है, बस्ती में सुनाई पड़ा है, बताइए कमेंट करके, बहुत तेजी से पत्थर गिरा है कहीं, उसको क्या बोलते हैं आपके लैंग्वेज में, तो बताओ 10 to the power ये 0.001 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 to the power -3 डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे 1 पर स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, ये कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस हो जाएगा, तो लिख लो 0.44 और -0.0295। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये इसका मतलब 1 ही होगा। ऐश्वर्यदीप क्या बस्ती में पत्थर गिरा है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या हुआ, लॉग 10 to the power -3, अब -3 आगे आ जाएगा, मैंने आपको बताया हुआ है लॉग एक्स पर पावर एन, तो इसका मतलब एन लॉग एक्स होता है, तो ऊपर आगे आ जाएगा, तो ऐसे आप लिख सकते हो 0.44 -0.0295 × -3 log 10, और log 10 का वैल्यू आपको पता है 1 होता है। यस सर गिरा है, बहुत सही, गिरने दो गिरने दो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ते रहो। चलो हाँ KM सर गुड मॉर्निंग, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब ये log 10 इक्वल टू हो जाता है 1,
अब यहाँ इसको अगर सॉल्व करोगे बच्चों तो ई सेल इक्वल टू आपको पता होगा, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो, सॉल्व करोगे तो 0.523 वोल्ट। हाँ, कई लोगों का आंसर सही है, अक्षिता का आंसर सही है, अक्षिता का आंसर सही है, वेरी गुड, और जमीर का भी आंसर सही है, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला पार्ट, सेकंड पार्ट भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। अभी तो मैं एक घंटा ही केवल पढ़ाया हूं, अभी 2 घंटा हम लोगों को पढ़ना है, कंटिन्यू क्लास लेना है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अब जब आप लोग थक जाइएगा तो बता दीजिएगा, मैं क्लास आप बंद कर दूंगा, मतलब टेंशन लेकर के नहीं पढ़ना है, ऐसा पढ़ो जो आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, पार्ट थ्री हम लोग देख लेते हैं। चलो इसको आपने नोट कर लिया होगा, पार्ट थ्री हम लोग देखते हैं बच्चों। चलिए, क्या दिया है इसमें, इसमें दिया है SN सॉलिड बदल रहा है बच्चों SN2 प्लस में, और SN2 प्लस एक्वस का वैल्यू दे दिया है 0.050 m। कैलकुलेशन केवल है, बाकी इसी पर लगेगा, और दूसरा साल्ट ब्रिज लगा दिया है, H प्लस है, और H प्लस का वैल्यू दिया है 0.020, और फिर ये बदल रहा है बच्चों किसमें, H2 गैस में बदल रहा है, इसका प्रेशर दे दिया है 1 bar, और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड वायर जो है डिप किया गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड में ऐसे ही तो होता, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। अब सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन मैं लिखता हूं, आप भी लिखोगे शॉर्टकट में। ऑक्सीडेशन यहां किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है SN का, तो इसका मतलब SN बदलेगा, SN बदलेगा किसमें बच्चों, बदलेगा SN2 प्लस में, और 2 हाइड्रोजन H प्लस बदलेगा किसमें, H2 में। तो आपने सेल रिएक्शन लिख लिया, इसका मतलब N का वैल्यू यहां क्या होगा, 2। N का वैल्यू क्या होगा, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है E naught ऑफ SN 2 प्लस बदल रहा है SN में, इक्वल टू दे दिया है इसका वैल्यू, SN का वैल्यू दिया है -0.14 वोल्ट है, और हाइड्रोजन का आपको पता ही है, हाइड्रोजन को तो पता ही है, तो रख दो ना, नेक्स्ट इक्वेशन आप निकालो जल्दी से। आप क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट इक्वेशन आप लिखेंगे इसका, तो ई सेल इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल -0.0591 डिवाइड बाई 2 कर दो लॉग क्यू, क्यू की जगह पर डायरेक्ट हम रखेंगे SN पर 2 प्लस डिवाइड बाई हाइड्रोजन एच प्लस आयन का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत। चलो ई नॉट, अब बताओ कैथोड कौन है, एनोड कौन है, यहाँ SN 2 प्लस से SN में बदल रहा, मतलब ऑक्सीडेशन, एनोड हो जाएगा SN, कैथोड हो जाएगा हाइड्रोजन, तो फिर वही कॉन्सेप्ट कर देना है, 0 माइनस 0.14, क्यों, क्योंकि ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है, माइनस कर दो, इसका वैल्यू आपको पता है 0.0295, ये भी आपको पता चल गया, डिवाइड कर दिया, यही तो बचेगा लॉग SN2 प्लस का वैल्यू कितना है बच्चा लोग, बताओ जल्दी से SN2 प्लस कितना, 0.05 डिवाइड कर दो 0.02 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे आप, इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे आंसर मिलेगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो 0.14 -0.0295 लॉग वाला, यही आपको सॉल्व करना है, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके कट कर दोगे, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लॉग 125। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, पूरा लॉग का वैल्यू रखोगे, तो आंसर मैं डायरेक्ट लिख दूं, बताइए मैं डायरेक्ट आंसर लिखूं, कई लोग सॉल्व कर चुके होंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेना, वीडियो बड़ा हो जाएगा, नहीं तो अब ये अपलोड भी तो हो रहा, तो ई सेल इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, तो जब सॉल्व करोगे आप लॉग 125 को, फिर आप निकाल, अरे भैया आपको बताएं ना, लॉग ए स्क्वायर
या लॉग एक्स पर पावर एन एन लॉग एक्स, मतलब उसको अपने सिंपल फॉर्म में फार्मूला भी तो बताया गया, उसको आप अप्लाई आंसर आ जाएगा 0.07 आ जाएगा। आप लोग मैच करते रहिए। चलिए लास्ट पार्ट इसका बचा हुआ है, का मैं रख देता हूं, जल्दी से मैं आगे बढ़ूंगा। ये भी कैलकुलेशन है थोड़ा, बस लॉग वाला आ जाएगा। फोर्थ पार्ट क्या है बच्चों? फोर्थ पार्ट में बच्चों कह रहा है कि प्लेटिनम एक है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, इसे कोई मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आर निगेटिव बी आर टू लिक्विड में, और बी आर का वैल्यू दे दिया है 0.010, साल्ट ब्रिज लगा हुआ है, कह रहा है कि एच प्लस आयन बदल रहा है बच्चों, इसका कंसंट्रेशन 0.030 और ये बदल रहा है एच टू गैस में, और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। तो सबसे पहले सेल रिएक्शन लिख लो, पहले सेल रिएक्शन लिखो। सेल रिएक्शन बहुत लोग लिख चुके होंगे, बी आर का ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, जो मतलब ये कह सकते हो। तो अगर मैं लिखूंगा तो बी आर नेगेटिव किस में बदल रहा है? बी आर टू में बदल रहा है। बी आर नेगेटिव किस में बदल रहा है? बी आर टू में, ठीक है। अब देखो बी आर नेगेटिव बी आर टू में बदल रहा है, दो आयन कर, अब इसका मतलब दो एच प्लस आयन किस में बदल रहा है? एच टू में। तो ये सेल रिएक्शन हो चुका है, सारा सेल रिएक्शन लिख चुका। नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से ना हो, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया है, बारिश हो रहा तेजी से। चलो ठीक है, हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। अब ये सेल रिएक्शन हो गया, यहाँ एन इक्वल टू हो जाएगा टू, एन का वैल्यू क्या है बच्चों? टू है, एन है। अब हम सॉल्व करें, ई सेल लिख ले, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.0। हाँ ठीक है। अब मैसेज, बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि वीडियो सर क्लियर नहीं आ रहा, हमारे यहाँ बहुत तेजी से बारिश हो रहा है। तो मैं यही लास्ट सवाल आपको बताऊंगा, इसके बाद मैं कल यानी अगले संडे को फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, मतलब संडे संडे अगले का चैप्टर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। अगले संडे को फिर मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्व करूंगा, और कल अपने अपने टाइम पर फिर जूम ऐप पर क्लास आप लोग। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, देखो बफरिंग भी कर रहा है। 0.0591 डिवाइड कर दो 2 से, लॉग लॉग आप लिखोगे, लॉग अब आर का तो 0 होगा, बीआर लिक्विड है 0, 1 होगा, हाइड्रोजन का 1 है तो 1 ऊपर रख दो, फिर बीआर नेगेटिव का स्क्वायर कर दो। तो ई नॉट सेल आप निकाल लो ना, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का 0, और बी आर का दिया है क्वेश्चन में, बी आर का ई नॉट सेल ऑफ बी आर टू बदल रहा है नेगेटिव में, इक्वल टू दिया है बच्चों क्या 1.08 वोल्ट दिया है। तो बी आर का दिया है रिडक्शन पोटेंशियल 1.01 और हाइड्रोजन का होता है 0, तो आप रख दो माइनस, आप रखोगे पहले क्या करोगे, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा तो हाइड्रोजन यानी 0 माइनस, अब ये करोगे 1.08 और इसको सॉल्व करोगे माइनस 0.0295 और लॉग 1 बाई बी आर का कंसंट्रेशन कितना है 0.01, बी आर का कंसंट्रेशन 0.0 और भाई ये भी एच प्लस भी तो है, तो एच प्लस का भी कंसंट्रेशन लिखो, एच प्लस का कितना है 0.03, तो इसका रख दो स्क्वायर हो जाएगा एच प्लस का स्क्वायर डायरेक्ट, तो यहाँ रख दो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर 0.030 का स्क्वायर। तो अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, कुछ बचा नहीं है, सॉल्व करोगे तो ई सेल इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1.288 वोल्ट। लॉग सॉल्व कराना मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, कुछ नहीं करना। यहाँ बी आर नेगेटिव का स्क्वायर था, फिर एच प्लस भी तो है रिएक्टेंट साइड में, तो एच प्लस का एक्टिव मास का स्क्वायर कर देंगे। बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है, मैसेज ब्लर कर रहा है, तो इस वजह से बस आज मैं क्लास यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ। मैंने एनसीईआरटी का 1 से 5 क्वेश्चन डिटेल में आ,
अगले संडे को क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के पूरा लगभग कवर हो जाएगा। तो अगले संडे को फिर हम लोग मिलेंगे, सेम टाइम पर जूम ऐप पर क्लास चलेगा। तो बच्चों मैं क्लास आप कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए यस या नो, पढ़ाएं कि आप कर दें। हम लोग फिर अगले बोलिए, फिर हम लोग कल जूम ऐप पर फिर अपने 7:30 से 8:30 वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यस या नो कमेंट करो जल्दी से, तुरंत आप करें। ठीक है बच्चों, मैं कट कर रहा हूं, फिर हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्लास से। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट संडे को हम लोग कंटिन्यू करेंगे।